हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। सब लोगों नू सत श्री अकाल। एक बारी देख लेने हाँ साउंड इज ओके, तो फिर आपा क्लास नू स्टार्ट करने हैं गाइस। हाँ जी, आई गेस आई एम ऑडिबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। चलो, हमारा जो टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर द पार्ट वन, जेड़ा आपा फ्राइडे जो कि है शुक्रवार नू कीता सी, उसको बहुत बड़ा हिट बनाने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद मैं कर दिया तुहाडे लोकां दा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एक बारी लिंक मैं शेयर कर देनी हाँ ताकि बच्चे जुड़ जाए, साढ़े नाल सारे बच्चे जुड़ जाए। ठीक है जी, ओके। आई गेस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड। हाय किंग जेसन, हु एल्स इज देयर, लेट मी सी, गुड आफ्टरनून सलोनी गर्ग, आई थिंक यू आर अ न्यू स्टूडेंट एट इन माई क्लास। जसप्रीत कौर चलो गुड आफ्टरनून, राज सिंह हाय सत श्री अकाल, तजिंदर कौर गुड आफ्टरनून जी, सब नू बहुत ज़्यादा गुड आफ्टरनून। चलो हुन क्लास आपा स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलो पहला सवाल है इंटीग्रेटेड सर्किट, सब नू याद है इंटीग्रेटेड सर्किट केड़े जनरेशन विच यूज होए सी, सब नू याद है? हाँ जी, ते जदों ये यूज हुंदे ने जिहड़े भी जनरेशन दे अंदर, पहला तां उह दसना है मैनू तुसी, ते उहदे बाद च दसना है ये किहदे नाल बने ने, एलूमीनियम, कॉपर, गोल्ड, सिलीकॉन या सिल्वर। ये भी करवाया वैसे मैं। गुड आफ्टरनून रीनू गर्ग, राज सिंह नायब का पेपर कद है? हजे मैनू तो नहीं पता है ये गल, नायब का पेपर कदों आ? हाँ जी आंसर दीजिए, वेरी गुड, मोहम्मद मुनीफ ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, विच इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सिलिकॉन। थर्ड नहीं है मोहम्मद मुनीफ जी, और चौथा चौथा हैगा जी, चौथा ही है ना, सब लोग तीजा क्यों देंदे पे आंसर? दिलावर शर्मा की हो गया, विंकल खन्ना, गोल्ड से नहीं बने हैं वो, सिलिकॉन से बने हैं, करवाया भी है तो अनु अजय में है। चलो अगला सवाल है, अच्छा थर्ड जनरेशन बोल रहे हो, ओ माय गॉड, पूरा लिखा ही नहीं मैं क्या कि आंसर गलत बोलता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है आगे चलने हैं। अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो आप गल करिए एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दी, जिदे विच ट्रांजिस्टर्स ने और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने, एक सिलीकॉन चिप के उत्ते, उन्हों आप की कहने हैं? हाँ जी आंसर बताएंगे, डू वी कॉल इट वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट कहने हाँ या कॉम्प्लेक्स सर्किट कहने हाँ? आंसर बताइए, व्हाट डू वी कॉल इट? अर्श कंबोज बोल रहे हैं आईसी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है जी, चौथा ऑप्शन। हुन पुलना नहीं है इंटीग्रेटेड सर्किट की हैगा है, किदे नाल बनया है, सब लोगों ने याद रखना है। ठीक है अगे चलने हाँ, पीसीज नू आपां फोर्थ जनरेशन कंसिडर करते हाँ, उस दिन आपां वन तो लैके फिफ्थ जनरेशन तक सब कुछ पढ़िया है, उहदे कॉम्पोनेंट्स पढ़े ने, पीडा पढ़िया ने, फीचर्स पढ़े ने, ते जे याद है ते मैनू दसो पीसी दे अंदर की हुंदा है? इनफॉर्मेशन, डेटा, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर हुंदे ने कि ट्रांजिस्टर हुंदे ने? हाँ जी मोहम्मद मुनीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आई थिंक पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जल्दी दसो जी आंसर, पीसी दे विच की हुंदा है? गुरविंदर मान बोल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, होर कोई बच्चा देना चाहूंगा आंसर? गगी जी बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड गाइस, पीसीज दे विच माइक्रो प्रोसेसर्स हुंदे ने, यह गल सब नू पता है, बहुत वधिया। डेटा, अरे मतलब डेटा तो होता ही, बट उहदे अंदर आपां मतलब यू नो की चीज़ां हुंदियां ने, वैक्यूम ट्यूब होते हर चीज के अंदर होता है डेटा से। चलो अगला सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आप गल करते हाँ वो किहड़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जाम्पल है? असी नहीं पढ़िया, कितों पढ़ना है दसो बच्चे? फ्राइडे नू मैं क्लास करवाई सी, उहदे विच समझाया सी, फ्राइडे की क्लास तुसी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, केड़ा आंसर होगा जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केड़े कंप्यूटर, केड़े जनरेशन कंप्यूटर दी वो एग्जांपल है?
गुरविंदर मान बोल रहे हैं फिफ्थ जेनरेशन. ओके वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया. आंसर इज डेफिनेटली फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर केड़े बंदे ने डिवेलप किया सी? चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन वर्न के जॉन वॉन न्यूमन. हाँ जी, एक बार सेशन हो सब लोग लाइक कर दो टू मेक इट बिगर एंड बेटर. जल्दी लाइक कर दो जी. मैम थ्योरी क्लास लगा दो प्लीज. बच्चे अभी थ्योरी करवानी है हमने इसमें. ए विच थ्योरी करवाई जाएगी? डोंट वरी. आज जो आप करण वाले हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एज पर देयर साइज एंड अदर यू नो फीचर्स. डोंट वरी, पहला आप कुछ क्वेश्चन करते पे हो बाद जो थ्योरी डेफिनेटली करांगे. एक्सलेंट आंसर इज जॉन वॉन न्यूमन. इस बंदे ने ओदा आर्किटेक्चर डिवेलप किया सी. पर हाँ जी, पहला जिहड़ा कंप्यूटर है वह चार्ल्स बैबेज ने किया सी इनवेंट, जिन्हों आप फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहने हाँ. बिल्कुल करेक्ट ट्विंकल खन्ना, ग्रेट. अगला सवाल, इंटीग्रेटेड चिप किन्ने डिवेलप की है? आईसीज बहुत पढ़ लिता आप, आईसीज बारे केड़े जनरेशन च यूज हुई सी, किस यू नो मटीरियल दे नाल केड़े सबस्टेंस दे नाल बनिया ने, पर ए ता दसो ए डिवेलप किन्ने की? ओके, आपका कोर्स कहाँ से मिलेगा मैम? ओके ठीक है जी. एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू, गग्गी को बता देते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी हम बता देते हैं कि कोर्स आपका कितो बाय करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट ओनली. एक मिनट दो मैनू. ऑल राइट ठीक है. तो बच्चे कोर्स बाय करना बहुत सौखा है जी. गूगल ते जाओ, उत्थे अड्डा 24/7 दी वैबसाइट तुसी खोलनी है. ठीक है, अड्डा 24/7 दी वैबसाइट जदों खोलोगे ते सर्च ऑप्शन ते जाके तुसी इत्थे पंजाब टाइप कर देना है. ए वेखो एनजापा पंजाब टाइप कर दांगे ते उहदे बाद चो व्यू ऑल बटन ते आपा प्रेस कर ऑप्शन ते आपा प्रेस करना है. थले स्क्रॉल डाउन करोगे जदों तुसी, देन यू कैन सी माई बैच इज देयर. आई थिंक या इट्स हेयर पंजाब पी एस पी सी एल क्लर्क 2021 का बैच, उत्ते क्लिक करोगे. ए बैच की एम आर पी मतलब प्राइस है जी 8,000 रुपये, पर इन्ने पैसे तुसी पे नहीं करने हैं. तुसी व्यू ऑफर्स से प्रेस करना है, क्लिक करना है. अपना ईमेल एड्रेस यू हैव टू टाइप वट एवर योर ईमेल एड्रेस इज. ठीक है, उदे बाद चो कूपन कोड तुसी उत्थे अप्लाई करना है. मेरा कूपन कोड है Y357, याद रख लो Y357 ते अप्लाई करोगे ते ए कोर्स तानू सिर्फ 1840 रुपये च मिल जूगा. ठीक है, तो तुसी बाय कर सकते हो. ते ए कोड होर भी कोर्स कोई तुसी बाय करना चाहते हो भी ए वैलिड हैगा है. ठीक है, आई होप तानू समझ आ गई. हुन बैक टू द क्लास. चलो गिव मी अ मिनट, एक बारी आपा पीपीटी फिर तो खोल लेने हैं जी. ऑल राइट, सो इंटीग्रेटेड चिप किन्ने डिवेलप किया? बहुत बढ़िया, आंसर इज जे एस किल बी. ओके केन जेसन बोल रहे हैं रॉबर्ट नायक. बच्चे रॉबर्ट बंदे ने भी किया सी, पर उदा सर नेम नायक नहीं हैगा सी, उदा सर नेम सी रॉबर्ट नॉइस. तो दो बंदिया ने किया सी, उदा नाम है जे एस किल बी ते दूजे का नाम है रॉबर्ट नॉइस. मैम मैंने कूपन कोड पठान यूज किया था, तो बच्चे जिन्हें तुसी कोई कूपन कोड जो कर चुके हो उन कोर्स से तानू मिल ही गया. मैं अगे ले कहंदी पई हां, हाँ जी दैट्स वाई 357 एब्सोल्युटली करेक्ट. कोर्स तुसी बाय कर लिता है, कोई भी कोड लाके वो वैलिड ही रहूगा, डोंट वरी अबाउट दैट. फोर्थ इज स्किल बी. ओके गगी जी, 42nd का आंसर क्या हुआ हमारा फिर? द आंसर इज जे एस किल बी. सो केन जेसन रॉबर्ट नायक नहीं है, क्योंकि उदा नाम सी रॉबर्ट नॉइस. कौन सा बोथ है आंसर वैसे? रॉबर्ट नायक नहीं है, नॉइस है जी. दोनों आंसर नहीं है. ठीक है, आगे चल रहे हैं. वीडियो की क्वालिटी 360p तक ही है, तो दिख नहीं रहा क्या 360 में? बताओ मुझे 360p. आई थिंक इट्स प्रिटी मच विजिबल गाइस. चलो आगे चल रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके चांदनी, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जे आप इंस्ट्रक्शंस की गल करने हाँ, इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर नू इंस्ट्रक्शन देने पए हाँ,
पैरेलल एग्जीक्यूट होंगी है कि सीक्वेंशियली होंगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार यार खिंच के लाइक कर दो भाई, स्टूडेंट्स वेख दे पे ने सिर्फ 11 लाइका ने, छेती लाइक कर दो जे पसंद आंदी पी है वीडियो, समझ आंदा पिया है, मजा आंदा पिया पढ़ के, इन्नी कंजूसी क्यों करते हो। अर्श कंबोज इज सेइंग बोथ, लाइक करोगे वीडियो उतनी ज्यादा यू नो मोर पीपल विल बी एबल टू वॉच इट। मोहम्मद मुनीफ बोल रहे हैं ए। अक्षित कटारिया इज सेइंग थर्ड, वेरी गुड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक अर्श ऑल्सो सेड द सेम। तो देखो पैरेलल एंड सीक्वेंशियली क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है नाल नाल, सवेरे भी मैं समझाया सी, पैरेलल मतलब दो चीजा नाल नाल हुंदियां पईयां ने, ते सीक्वेंशियली दा मतलब है कि ऑर्डर जो हुंदियां पईयां ने। आंसर क्या है, नाल नाल भी हुंदी है ते सीक्वेंस वाइज भी हुंदी है, दैट इज थर्ड इज योर आंसर। हुन आपां सिख लैने आ। हाय हरमन सिंह सैनी, ग्लैड टू सी यू, गुड आफ्टरनून टू यू टू। चलो देखो ट्रेडिशनली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आप गल करिए, ठीक है, वह की हुंदा सी, इको टाइम ते एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुंदी सी, जदों इंस्ट्रक्शन खत्म हुंदी सी उहदे बाद जो दूजी वाली एग्जीक्यूट हुंदी सी पहला हुंदा सी। पर अज दे कंप्यूटर्स दे विच पैरेलल कंप्यूटिंग भी चलती पी, इहदा मतलब है नाल नाल बहुत सारी चीज़ा हुंदियां ने, ते दोनों काम हुंदे पे ने, पैरेलल भी हुंदा पे ते सीक्वेंशियली भी हुंदा पया है। बहुत वधिया हरमन सैनी आ गए, ओके ठीक है। अगला सवाल, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रो कंप्यूटर दा जेड़ा हार्डवेयर है उहदे अंदर तीन तरीके दे फिजिकल इक्विपमेंट हुंदे ने, ओ केड़े ने, यू हैव टू आंसर। Yes. Answer दीजिए guys. Let me check केड़े बच्चे ने जवाब, हजे किसी ने भी जवाब नहीं दिता। अच्छा ऑलराउंडर है, हाँ जी पता है मुझे, सारे बच्चे ऑलराउंडर ने इत्थे वैसे तो। सी बोल रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज लग रहा है आपको, ओके। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर, राहुल स्मार्टी सिंह सी, ओके गाइस आंसर बताइए। जगजीत जी बोल रहे हैं फोर्थ, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर। बच्चे आर यू श्योर उहदे अंदर सेकेंडरी स्टोरेज मतलब की होगा, मेमोरी वो एक होना चाहिदा है, इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट। सिर्फ इको बच्चे ने आंसर करेक्ट दिता है जी, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन, दैट इज ओदे अंदर SU हुंदा है जिन्हों आपा सिस्टम यूनिट कहने हाँ, इनपुट आउटपुट हुंदा है यानी IO जिन्हों आपा कहने हाँ, ते नाले तीजी साड़ी केड़ी हुंदी है जी, मेमरी हुंदी है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं हैगा है, ठीक है। चलो अगे चलने हैं, वेरी गुड हरमन सिंह सैनी, गुरप्रीत सिंह सोना एंड ओनली अर्श कंबोज हैव गिवन द करेक्ट। अच्छा तेजिंदर इज ऑल्सो हेयर, ग्रेट। अगला सवाल, IBPS PO 2012 विच आया है जी, PC वर्ड की करेक्ट एक्सप्लेनेशन तुसी मैनू दसनी है। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल, पैक्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बाय द पेंटियम कंपनी, प्लीज पीसी नू पेंटियम कंपनी ना बना देना, या नन ऑफ द अबव, आंसर दसोगे शेती नाले। हां जी गुरविंदर मान जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, लेट अस सी बाकी बच्चे की आंसर देंदे ने। Excellent guys, very good. Answer is option number 2. That is a widely available ne kalle kalle workeran nu jitte oh apni information access kar sakde ne te personal productivity oh ki kar sakde ne increase kar sakde ne. Bahut vadhiya, great. Agla sawal, acha sawal haje aapa thodi der le pause kar dene ha te jive baki bachyan ne bhi request kiti si ki ma'am thodi theory karwa do, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦੈਮ ਇਨ ਥ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਟੂ ਥ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਥਾ ਉਸੀ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ SCU ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਡੈਸਕਟੋਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ? IC IC ਤੇ ਰੱਟ ਲਓ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਯੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਸਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ 24/7 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਪਟੋਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਾ ਬੁੱਕ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਕਾਲ ਇਟ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਜਾਂ ਪਾਮ ਟੋਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਮ ਟੋਪ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈੱਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, PDA PDA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਲਾ, ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਔਸਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਅ ਪੈੱਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਪੈੱਨ ਫੋਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੂ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ CAD, ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਡਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਰਾਈਟ? ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖੀਏ, IBM 17, DEC, PDP 11, HP 9000 ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ? ਜਿੱਤੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp ਹੋ ਗਿਆ, Instagram ਹੋ ਗਿਆ, Telegram ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ। ਨਾ, ਵਾਟ ਆਰ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ।
मतलब कि बिजनेस वर्ल्ड ए पर्टिकुलर कंप्यूटर दे राही ही चलता है. इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर का नेटवर्क है तो उदा मेन जिहड़ा कि दिल है तड़कदा है दैट इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर. एदे राही बहुत सारे लोग काम करते ने एक ही पर्टिकुलर टाइम पे सेम टाइम पे. ओके गुड आफ्टरनून मैम फर्स्ट लाइव क्लास ऑल राइट दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of November मिस चीना अग्रोइया. ठीक है चलाउंदा ही नहीं हैगा मैम चलो फिर कोई ना. एग्जाम्पल देखिए जी यूनिवैक 1110 IBM 370 ये आपको याद करने पड़ेंगे इनके मॉडल्स. नेक्स्ट इज योर सुपर कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट. सब तो तेज हैगे ने है तो बहुत महंगे भी हैगे ने. प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज है बाकी कंप्यूटर के मुकाबले. मैम लाइव क्लास से असी विजिबल होवांगे तुहानू नहीं जी आप लोग विजिबल नहीं होंगे तो टीचर वुड बी विजिबल टू यू. ठीक है सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तगड़े ने साइज भी ज़्यादा है मेमोरी भी है बाकी कंप्यूटर दे मुकाबले. स्पीड देखो सुपर कंप्यूटर की ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एना दी जिहड़ी स्पीड हुंदी है केड़े यूनिट विच आपां इनू मेजर करने हाँ द नेम इज फ्लॉप्स. यदि फुल फॉर्म की है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड दैट इज कॉल्ड फ्लॉप्स. इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से. आगे चलने हैं सुपर कंप्यूटर नू आपा यूज करने हाँ बहुत ज्यादा यू नो हाईली कैलकुलेशन जिदे विच कैलकुलेशन तगड़ी हुंदी है उदे लिए आपा इनू यूज करते हाँ. या फिर वेदर फॉरकास्टिंग हो गया न्यूक्लियर रिसर्च मिलिट्री एजेंसीज यूज कर दिया ने साइंटिफिक रिसर्च लिए नू आपा यूज करते हैं. बिल्कुल करेक्ट है जी. ठीक है क्रे वन आपका दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था. एदा ना पिया सी एदे इन्वेंटर दे पिछे जिदा ना है सीमोर आर क्रे ते आया सी 1976 दे अंदर. ठीक है परम इंडिया दा सब तो पहला सुपर कंप्यूटर सी 1990. परम ईशान लेटेस्ट मशीन है परम दी सीरीज दे अंदर सी डैक यू नो ऑर्गेनाइजेशन ने इनू बनाया है राइट. YouTube वांगू ही चलती है क्लास. हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही चलेगी. टीचर आपको विजिबल होंगे पूरा जिवें इत्थे चलता पिया है उंज ही विजिबल होगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आई वॉन्ट टू परचेज कोर्स ऑफ PSPCL क्लर्क ते तानू मैं गगी जी दस्या ते है फिर आपा किवें कर सकते हैं. जाओ वैबसाइट ते मेरा कोड लाओ उहदा नाम है Y357. ठीक है एंड यू कैन बाय इट फॉर 1800 1840 दे विच तुसी बाय कर सकते हो. ठीक है आगे चलने हैं. बेस्ड ऑन वर्क जे आपा गल करिए उसी साइज दे अकॉर्डिंग हुन आपा वर्क दे अकॉर्डिंग गल करदे पिया. पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर इंपॉर्टेंट. ए कंप्यूटर अरिथमेटिक ते लॉजिकल ऑपरेशंस करदे ने डेटा नू यू नो मैनिपुलेट करदे ने उनू प्रोसेस करदे ने. एग्जांपल देखो जिवें सीस्मोग्राफ हो गया या स्पीडोमीटर हो गया बेसिकली की करते ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉजिकल ऑपरेशन करते ने. अगला सवाल कह रही हूँ एनालॉग कंप्यूटर देखो कर सकते हैं बहुत सारे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म. एक कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स यूज करते ने ऑपरेशन के लिए तो केड़ी एनर्जी के उत्ते बेस्ड ने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल. डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं एक सी एनालॉग तो दूजा है डिजिटल. डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं काम करते हैं बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करके. ये ना सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं पर बाइट्स नू कंबाइन भी करते हैं डिजायर्ड ग्राफिक्स. मतलब बेसिकली तानू एंटरटेनमेंट दे सोर्स दे लिए भी अनु आपा यूज कर सकते हो तुहाडा डिजिटल कंप्यूटर है. अगला है जी हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर कोई बता सकता है मुझे क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है. हाँ जी व्हाट इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर जिवें कि तुसी देख सकते हो. अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं परम ईशान की स्पीड क्या है बच्चे वो तानू हजे दसते हाँ पहले इनू ते फोकस कर लियो. ठीक है वैसे 54T फ्लॉप्स है वो बट वेट फॉर इट अभी आएंगे वो क्वेश्चंस. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है एनालॉग. हाइब्रिड हुंदा मिक्सचर ते एनालॉग ते डिजिटल कंप्यूटर दा कॉम्बिनेशन है. एना कंप्यूटरां नू आपा यूज करदे हां हॉस्पिटल्स दे अंदर जिवें कि ECG मशीन दे लिए आपा यूज कर सकते हां या डायलिसिस दे लिए नू आपा यूज कर सकते हां. दे आर हाइब्रिड कंप्यूटर्स. सो दिस वॉज बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन वॉट एल्स वॉज देयर. वेरी गुड प्रीकर्षप एनालॉग प्लस डिजिटल इज हाइब्रिड.
So based on size we have done supercomputer, mini computer, blah blah. Based on work we have done, now we are going to discuss based on the purpose. ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾਓ ਸਮ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿਧਾਰਥ ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਛਾਨਿਆ ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਟਿਫਰੈਕ ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमैटिक कैलकुलेटर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कैलकुलेटर एक कंप्यूटर की भी हो सकता है बच्चे वो सब कंप्यूटर बेसिकली क्यों होता है जो चीज कैलकुलेट कर सकती है ठीक है तो कैलकुलेट मतलब कंप्यूटर सिर्फ यह नहीं होता कि कितना वड्डी चीज बनी हो गई तो आया सी कुछ 1954 टू 55 के बीच में ठीक है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ओदे पिछे इहदा नाम पै मुंबई विच आया सी परम सिद्धि मुझे पता है पर मैंने सर्च किया प्रॉपर वो नहीं है सलोनी करके सेइंग पीडीएफ बच्चे पीडीएफ्स आर ओनली अवेलेबल फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स बाय किया है ठीक है 1955 दे एंड विच हुण एक होर चीज बाहर का कंप्यूटर जिहड़ा इंडिया ने खरीदया सी ए ते आपा बनाया सी ना पर इंडिया ने पहला कंप्यूटर जेड़ा बारों खरीदया सी ओदा नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट HEC2M ते आया सी इंग्लैंड तो आया सी है ठीक है अगे चलने हैं हुन कुछ होर इंपॉर्टेंट चीजा ने ते स्पीड्स दी गल हो गई है और भी चीजा ने क्वांटम कंप्यूटर सब तो तेज कंप्यूटर है इंसान दे दिमाग वगन है चल सकता है ठीक है इंट्रोड्यूस किया सी रिचर्ड फेनमैन ने नाम इतने लिख देनी है थोड़ा आई थिंक बिकॉज द पेन वो नहीं दिखता होगा रिचर्ड फेनमैन ने ऑल राइट नैनो कंप्यूटर एक जनरल टर्म है जिन्हों आप यूज करीदा है एहो जे कंप्यूटर नू दसन लई जिहड़ा कि माइक्रो तो भी छोटा है यूजुअली क्रेडिट कार्ड दे साइज दा हुंदा एग्जाम्पल वेख लो जी रास्पबेरी पाई इहदा नाम है एग्जाम्पल है रास्पबेरी पाई बेसिकली यह नैनो कंप्यूटर स्कूलों विच यूज किया जाता है साइंस पढ़ाने लई सानू पता है साडे स्कूलों विच ते कदी होया नहीं बट यस इट इज यूज्ड कमिंग टू प्रत्यूष इंडिया दा सब तो तेज पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स वाला सुपर कंप्यूटर आई होप आपको पीएफ की फुल फॉर्म पता है यह भी पता है कि वो सुपर कंप्यूटर दी स्पीड दा यूनिट है ठीक है प्रत्यूष दी कंप्यूटेशनल पावर कंप्यूटेशनल मतलब कैलकुलेशन पावर की है 6.8 पीएफ ते चौथा हुण ते आई थिंक सो 19th है पर क्योंकि यह जिहड़ा चीज है जिहड़ी बुक तो मैं लिता है दैट्स ओल्ड सो आई गेस 19th fastest super computer as per my knowledge I would have to check that te enu dedicate kita gaya dhyan naal weather te climate research de layi all right so that's all hun aapa chalne ha questions utte thodi theory ho gayi hun aapa questions karne ha answer do tab tak jaldi se aur like kar do yaar jaldi se ਆਲਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟ 1 ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜਸਟ ਪੀਐਫ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਲਿੰਕ I can't see it. Okay, here it is. Fundamentals of computer. I'm just going to copy the link actually. So here it is. Live chat which main Pandi Paiya ji paste karta hai link. Tusi dekh sakde ho. Okay. Jinne jinne like nahi kita hai, jaldi like kar do. Answer bol rahe ho notebook. Bache micro processor based computer small hai nale. Designed to be used by one person at a time, what is the answer going to be? Hanji.
46th का नोटबुक बोल रहे हो? एक्चुअली ना क्वेश्चन में थोड़ा घपला है, पर चलो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा होर क्लियर होना चाहिए सी, मतलब ऐसे बिच आना चाहिए सी स्मॉलेस्ट करके, तो फिर साडा आंसर डेफिनेटली की बनूगा जी। वेरी गुड, बताओ आंसर क्या है? फिफ्थ बोल रहे हैं बेअंत कौर, एनीबॉडी एल्स जिहड़ा कि आंसर देना चाहूगा? रीजनिंग की क्लासेस बच्चा, आई हैव नो आइडिया, एक बारी मैनू पूछना पाऊगा। वेरी गुड जी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नोटबुक। पर क्वेश्चन विच थोड़ा जहा चोल हैगा, ठीक है, क्योंकि जे आप गल करिए एदे विच पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, बट सानू एदे विच लिखना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर आउट ऑफ ऑल, ते आंसर डेफिनेटली होगा जी नोटबुक। हाँ, ठीक है, चलो अगे चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टैबलेट पीसी हजे कीता है इज अ टाइप ऑफ, हजे आपा टाइप्स कीती है माइक्रो, सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, आंसर दसोगे? टैबलेट पीसी की दी टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर दी, सुपर दी, मिनी दी, या मेन फ्रेम कंप्यूटर दी, आंसर बताइए। वी डिड इट जस्ट नाउ, ताइयो थ्योरी करवाई सी, 47th का माइक्रो बोल रहे हैं, 47th क्वेश्चन ही है ये। हाँ जी, बाकी बच्चे ए ए ए ए, वेरी गुड, आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर, ग्रेट। अगला सवाल, कंप्यूटर, अरे यार यहाँ पे तो मैंने इमेज ही रखती है, गलत पेज पे आ गई वो। कंप्यूटर जेडे पोर्टेबल ने ते कन्वीनियंट ने यूज करन दे लई, जेडे बंदे ट्रैवल करते ने, हुन आंसर ते दिख गया है, जल्दी दस दियो आंसर जी। What do we call it? Super computer, mini, mainframe के laptop. Correct है, बिल्कुल आंसर 48 का बताओ। का फोर्थ बोल रहे थे, फोर्थ पे लैपटॉप है, दैट्स करेक्ट, लैपटॉप्स इज योर आंसर, माई बैड, पहले मिस दस थी। अगला सवाल, डेस्कटॉप ते पर्सनल कंप्यूटर्स नू आपा होर की कहने? हाँ यस, व्हाट डू वी कॉल डेस्कटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स, की दी टाइप्स ने, की दी एग्जांपल्स ने, सब टाइप्स ने, वट एवर जो भी इनू कहना चाहो, आंसर बताएंगे। टाइप पूछी है मिनी, तो मैं की क्या फिर? नहीं, टाइप तो आपा नहीं पूछी है बच्चे, आपा पूछे उन्हें कंप्यूटर नू की कही था, मिनी कंप्यूटर विच तो बहुत सारे आ जाते हैं ना फिर। 49th का फिफ्थ बोल रहे हो, एक्सीलेंट, आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर्स, बहुत बढ़िया गाइस। अगे चलने हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, SBIPO 2013 का सवाल है, हजे करवाया मैं, शिखा पंडित बोल रही है फिफ्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट, चीना अग्रोहिया, बच्चे सब दे नाल लेने मुश्किल ने, जिन्हें भी फिफ्थ ऑप्शन आंसर दिता है बहुत वधिया। अगे चलने, अक्षित कटारिया का भी करेक्ट है, गग्गी माइक्रो कंप्यूटर्स, ओके। 50th क्वेश्चन, हजे आपा कीता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पाम टॉप कंप्यूटर्स याद ने, एक्सलेंट। पीडीए दी फुल फॉर्म की हुंदी है? पाम टॉप सूरज कश्यप इज ऑल्सो ए ग्रेट, बहुत वधिया, पीडीए इज योर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बहुत वधिया, फिफ्थ ऑप्शन इज योर आंसर। चलो एक बार आपा सीख लेने हैं, हैंड हेल्ड सिस्टम्स के अंदर पीडीए हुंदा है, जे आपा पढ़िया भी है वैसे, जिवें कि पाम पायलट हो गए, सैल्यूलर टेलीफोन हो गए, हत्था वे जिन्हों फड़ सकते हो, इंटरनेट नाल कनेक्ट हो जाते हैं, साइज इन्हों का लिमिटेड छोटा ही हुंदा है, ताइयों वह हाथ में आ जाते हैं, मैमरी भी ऐसे करके फिर घट ही हुंदी है, प्रोसैसर भी स्लो होंगे, पर अजकल थोड़े इंप्रूव हो गए ने डेफिनेटली, तो डिस्प्ले स्क्रीन भी इन्हों की छोटी ही हुंदियां ने, बहुत वधिया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला सवाल, पाम टॉप कंप्यूटर नूं होर भी आपां किहड़े नाम दे नाल जानदे ने? सलोनी गर्ग जी बोल रही है सुपर कंप्यूटर, अरे सलोनी गर्ग जी, हजे तो आपां हैंड हेल्ड पढ़िया है, पाम टॉप पढ़िया सी, मे बी तुसीं अटेंड नहीं कीती होवेगी, ओ लाइक एलेक्सा, यस गुड। 29 पीपल वॉचिंग, 29 लाइक्स, नॉट बैड बट कैन बी गुड, मतलब कैन बी बेटर, नॉट गुड। प्री काश्यप 51st का बोल रही है हैंड हेल्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है, हैंड हेल्ड, पाम टॉप, पीडीए एक तोड़ा यू नो कीवर्ड बन गए ने, हुन याद रखने ने। अगला सवाल, हजे आपा ये भी कीता है,
करेक्ट चीना, दिलावर, शिखा, हरमन, बहुत बढ़िया। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसके विच बहुत सारा डेटा है, प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे पीसीज ते ले, वर्क स्टेशन ते ले, दूजे कंप्यूटरां ते ले, उनु आपा वो सेंट्रल कंप्यूटर नु आपा की कहता है, सुपर मिनी लैपटॉप या सर्वर। बहुत बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हजे करवाया है सर्वर। ताइयों मैं थोड़ी थ्योरी पहला करवाती सी क्योंकि मैं लग्या सी यू नो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग। कब हुई जी स्टार्ट क्लास? 2 बजे एग्जैक्टली। ओके सीएडी हजे अभी तानू करवाया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशंस, केड़ा कंप्यूटर यूज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूजेस सीएडी कैलकुलेशंस, आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे। दीप कौर जी 4th बोल रहे हैं, आई थिंक पुराने सवाल का तुम जवाब देते पे हो, चौथा कैसे का देते पे हो। मिनी बोल रहे हैं अर्श कंबोज, हाँ जी बाकी बच्चे, राहुल स्मार्टी 4th बोल रहे हैं, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। बच्चे हजे ते आपा कीती है जी। विंकल खन्ना इज सेइंग मिनी, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर मिनी कंप्यूटर। करवाया भी सी मैं तानू सीएडी कैलकुलेशन, कंप्यूटर की सहायता दे नाल डिजाइन वाली कैलकुलेशन, उसकी फुल फॉर्म है। ग्रेट, अगला सवाल, जनरली केड़ी चीज कॉस्टलियर हुंदी है, सर्वर, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम या नोटबुक? जनरली कहंदे पे आम तौर ते केड़ी चीज देखो कॉस्टलियर ते ओही होएगी, है ना, जड़ी बहुत सारे चीजां दा ध्यान रखदी पई है। ये क्लास डेली लगती है, डेफिनेटली निशा रोज लगती है क्लास 2 बजे, ते जे बाकी क्लासा वेखना चाहते हो, मतलब ऐसा पहला पार्ट वेखना चाहते पे हो, लिंक मैं बायो एदे विच चैट दे विच टाइप करता है, पंजाब अड्डा 24/7 दे यू नो चैनल तो आया होएगा कमेंट, व्हाटएवर द मैसेज यू कॉल इट। 2 बजे मेरी कंप्यूटर दी क्लास लगती है, ते 11 बजे अंग्रेजी दी, डू ज्वाइन इट। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर एस कंप्यूटर दे राही ते चलते ने, आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज मेन फ्रेम। आउट वो सर्वर तो भी महंगा होंदा जी, सर्वर नहीं आंसर, तजिंदर कौर जी सर्वर नहीं आंसर। अगला सवाल है, यूजर की चीज अप्लाई करता है टू एक्सेस मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड, टर्मिनल के नोड, यूजर केड़ी चीज अप्लाई करता है? सर्वर हुंदा है जी? नहीं जी सर्वर नहीं हुंदा है जी, सर्वर नहीं हैगा महंगा, सादा साडा जड़ा दूजी चीज सी ना ही भूल गई ओदा के ऑप्शंस थे। हाँ जी तो देखो पर्सनल कंप्यूटर, देखो आजकल तो लैपटॉप से महंगे पर्सनल कंप्यूटर भी है, बट क्वेश्चन कहंदा पे जनरली आम तौर पे, हो सकता है कोई सर्वर भी महंगा होवे मेन फ्रेम तो, बट क्वेश्चन है आम तौर पे आपा गल करदे पे, एंड से बहुत सारे पीसीज भी हैगे ने जेडे लैपटॉप तो महंगे ने, बट ज्यादातर तो लैपटॉप ही महंगे होते हैं ना, है ना। एक मिनट रुको, अगले सवाल का आंसर दे रहे हो क्या? 55th का ए बोला है टर्मिनल, ओके। एनीबॉडी एल्स? प्रिजा बोल रही है सेकंड, बाकी सारे टर्मिनल बोल रहे हो। बाकी बच्चे आंसर देंगे फिर आंसर हम रिवील करते हैं। अर्श कंबोज बोल रहे हैं टर्मिनल, ओके। बाकी सो गए हो? सिर्फ 4 बच्चों ने जवाब दिया है शायद से, आंसर दो जल्दी से। मनी शर्मा बोल रहे हैं सेकंड, फाइनली 2 जवाब आ गए हैं तो मुझे लग रहे हैं हटके हैं। यस पर्सन एग्जैक्टली द पॉइंट, आजकल राइजन प्रोसेसर चले आया इंटेल दी जगह, आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू बाय वन। चलो वेरी गुड, 3 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, आंसर दिया है बदनाम क्रिएशंस, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। देन अनदर वन इज आई थिंक किसने नोट किसने आंसर दिया, मनी शर्मा ने, ओके हु एल्स, एक और जन ने, प्रिजा ने, वेरी गुड, आंसर इज नोट। बट नोट हुंदा क्यों आपा सीख लेने, वेखो नोट एक डिवाइस हुंदा है, एक डेटा पॉइंट हुंदा है, मतलब बहुत बड़े नेटवर्क से एक पॉइंट है जी, ठीक है, कनेक्शन पॉइंट हो सकता है, जे आप नेटवर्किंग की गल करते हैं कोई कनेक्शन पॉइंट हो सकता है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब कि उतो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता पे, या एक कम्यूनीकेशन का एंड पॉइंट हो सकता है,
एंड पॉइंट का मतलब कि कम्युनिकेशन कितने खत्म हुंदी पई है उन्हों आपां नोड कहीदा है। ते जे आपां वड्डे नेटवर्क दी गल करदे हां ते नोड्स दी डिवाइसेस मीनिंग हुंदा या फिर डेटा पॉइंट्स हुंदे ने। ते डिवाइसेस कितने हो सकदे ने जिवें पीसी च हो गया, फोन च हो गया, प्रिंटर च हो गया, उन्हों आपां नोड्स कहीदा है। सो क्वेश्चन वॉज यूजर की अप्लाई करता है, यूजर अप्लाई करता है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर नू एक्सेस चलाउन दे लई ओनू यूज करता है जी नोड। एक मिनट देयर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी बच्चे जो तुम एक यू नो हैवी कंप्यूटर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली 2-3 लाख का तो आऊगा ही। ओके, दीज आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स जी कि कॉम्पलैक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं रैपिडली का मतलब है बहुत तेजी के नाल परफॉर्म करते हैं। आंसर बताओ, सुधीर जी बोल रहे हैं। सुधीर जी नोट का काम की हैगा, हजे तो आप सीखे है बच्चे, हजे पूरा तो समझाया है कि या तो बेसिकली कनैक्शन पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो या रीडिस्ट्रीब्यूट करन दे लई डेस्कटॉप पीता यूजर कोल हुंदा है। मतलब किस चीज़ का पूछ रहे हो? अरे बट हम अप्लाई क्या करते हैं चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम नू चलाउन दे लिए डेस्कटॉप ते हर कंप्यूटर विच हुंदा है। क्वेश्चन दी इंग्लिश सी, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग सी इंग्लिश उच्च लिखी सी, आपा अप्लाई की करते हाँ डेस्कटॉप जिवें कि फोन नू चलाउन लई तुसी की अप्लाई करते हो है ना, कोई इंस्ट्रक्शन देते हो गे? मेरे फ्रेंड ने लिया सी यूट्यूब। ओके ठीक है, सवाल पे चलते हैं। सवाल था ओके वेरी गुड जी, सेकंड ऑप्शन थोड़ा आंसर है सुपर कंप्यूटर। हजे आप पढ़िया भी सी बहुत तेजी दे नाल काम करते हैं तो कॉम्पलैक्स कैलकुलेशंस नू है परफॉर्म करते हैं। बहुत वधिया, अगे 57 क्वेश्चन कहता है एहो जिहा कंप्यूटर है बहुत महंगा है तो बहुत वड्डा है तो साइंटिफिक ते बिजनेस एप्लीकेशंस लई इहनू आपां यूज करते हाँ। What is the name of this computer? Basically, आज दी क्लास different types of computers के features के according है। तो सुधीर सैन जी बोल रहे हैं B, I think पुराने सवाल का जवाब देंदे पे हो, 57th का दो जी। बहुत वधिया प्री कश्यप ने करेक्ट आंसर दिया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा आप स्पीड अप करांगे ठीक है। अगला सवाल है पहला सुपर कंप्यूटर जेड़ा डिवेलप होया सी इंडिया दे अंदर उदा नाम की है? What is the name of the first supercomputer that was developed in India? सही तरीके से बताना। Twinkle खन्ना first बोल रही है correct है जी, अमृतपाल का भी correct, बहुत बढ़िया। अगला सवाल answer जल्दी से देंगे। 34 people watching and 34 likes, क्या बात है, कदम कदम बढ़ाए जाओ। निशा बोल रही है परम, एक्सलेंट, हजे आपा कीता भी सी आंसर है जी परम, परम ईशान बाद चो आया सी, पहला सुपर कंप्यूटर दा नाम सी परम ठीक है। लॉन्च होया सी July 1, 1991, नाम एदा सी जे आपा एक्चुअल नाम वेखे परम 8000, किन्ने डिवेलप कीता सी सी डाक ने, ए भी आपा पढ़िया, एदी फुल फॉर्म तुसी याद कर सकते हो। हाँ जी इंडिया का परम है, वर्ल्ड का क्रेवन भी आपा कीता सी। अजे सीरा की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, लॉन्च हुआ सी 1 July 1991 विच, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इनू कॉपी किया गया सी, रेप्लीकेटेड का मतलब है कॉपी किया गया सी, फिर दोबारा इंस्टॉल किया गया सी रशिया के नाल मिलके किते आईकैड मॉस्को के अंदर, आईकैड द नेम ऑफ अ प्लेस इन मॉस्को। नाउ परम हैगा की है? परम एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, जिवें आईफोन की सीरीज आईफोन 12, 13 हजे लॉन्च होया है जी है ना, परम दी लेटेस्ट है करेक्ट। हजे परम निशान क्योंकि पुराना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेफिनेटली दिस यू नो पर्टिकुलर थिंग दैट हैज बीन टेकन इज फ्रॉम अ बुक, वो पुराना एडिशन है। तो परम निशान बाद आया सी बिल्कुल करेक्ट है जी, लेटेस्ट जोड़ा हैगा साढ़े कोल दैट इज डेफिनेटली परम सिद्धि ठीक है। अगे चलने हाँ, गुड आफ्टरनून पलविंदर, हाय गुड आफ्टरनून हरमन सिंह, यू आर वेट लेट सॉरी भटकर पढ़ के मैंने गलती बोल दिया। भटकर कौन है जी? भाटकर जिनका पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर, वो इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग का उनको आर्किटेक्ट माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फुल नेम आई थिंक आई एम नॉट, अच्छा हियर इट इज,
विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है, उन्होंने ही डेवलपमेंट लीड की थी परम सुपर कंप्यूटर की। पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर जोड़ा आएगा सी परम 8000 से बाद जो 10000 1998 के अंदर, ठीक है। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जी यह चीज इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आपा फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर भी उनको बुलाते हैं। कोई गाल नहीं जी। अगला हजे किता है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर किन्नू डेडिकेटेड है मिलिट्री दे लई, रिक्रिएशन, वेदर फॉरकास्टिंग दे लई, या फिर मल्टीमीडिया दे लई। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर 60th क्वेश्चन है, थोड़ा बकअप करेंगे, 15 सवाल हजे होर पए ने, छेती कर लो गाइस, आंसर दो जल्दी, इतने लेट क्यों आ रहे आंसर, आंसर दिया ही नहीं क्या किसी ने। चांदनी बोल रही है सेकंड बिल्कुल करेक्ट, हजे आपा पढ़िया जी वेदर नू प्रिडिक्ट करन ले, फोरकास्ट करन ले नू आपा यूज करते हैं। एक बारी पढ़ लेंगे, हाँ देखो प्रत्यूष एंड मिहिर, एक ना है मिहिर भी, हालांकि फास्टेस्ट प्रत्यूष ही है। इन्हों कितने एस्टैबलिश किया गया सी IITM, फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुसी पढ़ लो एक बार फिर भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटियोरोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन दे विच इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, ठीक है। तो कितने होर कितने इन्हू किया सी मिहिर नू किया गया सी NCMRWF नोएडा के अंदर, नॉट इंपॉर्टेंट, द फुल फॉर्म इन कंप्यूटर सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैसे तो होर आ सकती है, जीके विच आ सकती है, दैट इज समथिंग एल्स। ये है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स ने, ठीक है। कॉस्ट वेखो इन्हों की 438.9 करोड़, इनोग्रेट किया सी हर्षवर्धन, जो कि उस टाइम पे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर भी है सन। चलो मेहर नोएडा च है, बिल्कुल करेक्ट, ओके। इंडिया का पहला मल्टाई पीटा फ्लॉप्स वाला सुपर कंप्यूटर केड़ा हैगा है। पीटा फ्लॉप तो यूनिट हर सुपर कंप्यूटर डेफिनेटली है, बट मल्टाई केड़ा हैगा है, यह भी आप पढ़ चुके हैं, तो करेक्ट आंसर देंगे सारे, आई एम होपिंग दैट। सिक्सटी वन का फोर्थ, इतनी पीछे चल दे पे हो, आहा अच्छा नहीं 61 यही है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया है। अमनदीप बोल रहे हैं फर्स्ट, बच्चे इंडिया का फर्स्ट मल्टाई पीटा फ्लॉप वाला बताना है हमने, हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब देंगे जल्दी। फोर्थ बोल रहे हो, तिहाने टू बोल रहे हो, सबको तिहाने क्यों लग रहा है, आपां ते गल करदे पए हाँ इंडिया दे पहले फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दी जिदे विच मल्टी पीटा फ्लॉप्स हैगे ने, सो यू आर सेइंग, आप बोल रहे हैं फोर्थ के अकॉर्डिंग तिहाने टू, या कोई परम निशान बोल रहा है, हजे आपा कीता भी सी है गल, हजे आपा पढ़ी भी है जी, परम निशान ओके, बाकी थर्ड बोल रहे हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देगा। बी बोल रहे हैं प्रीजा जी बोल रही हैं सेकंड, 61st का सी बोल रहे हैं, ऑल राइट बच्चे गलत, अभी हजे तानू मैं आंसर दसिया फिर गलत बोली जाते, जो आप पढ़िया भी है, आंसर इज ऑप्शन नंबर किन्ने दिता है, किसी ने भी नहीं दिता आंसर, मोहम्मद मुनीफ ने आंसर दिया और अक्षित कटारिया ने, वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज प्रत्यूष, हजे आपा पढ़िया भी सी फिर भी गलत किवें हो सकता है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्विकली कि जेडे साडे उस टाइम दे यूनियन मिनिस्टर सी अर्थ साइंस दे, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हीं ने यही पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसका नाम है प्रत्यूष, उन्होंने अनवील मतलब डेडिकेट किया सी, ठीक है, ते ए सब तो तेज सी उस टाइम ते, ते नाले मल्टी पीटा फ्लॉप्स, पहला मल्टी पीटा फ्लॉप्स वाला ए ही है। अच्छा तुसी तुक्के लांदे पए सी, पर आई थिंक मैंने भी पढ़ाया ये, लेट मी सी, फिर भी गलत दसते पए हो, लेट मी सी एक बारी वेख लेने, हाँ आई थिंक मैं दसिया ते सी, कहीं पे है कि नहीं, आई थिंक नहीं है, होगा होगा होगा,
ओके हाँ है। तो ये देखो, माय फर्स्ट मल्टी पीटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर इंडिया द, फिर भी गलत, बहुत बैड, वेरी बैड। सुरविंदर मान बोल रहे हैं 8। ओके 8 क्या? अच्छा 6.8 पीटा फ्लॉप स्पीड बता रहे हो। ओके आगे चलने आप, जस्ट अ मिनट। एनालॉग कंप्यूटर एवी हजे करवाया त्यान नाल करना गलत ना दसना किदी सप्लाई उत्ते। मैम एना डीप केड़े पेपर चाहूगा? बच्चे कोई भी पेपर चाह सकता है। मार्कफेड का एग्जाम कदों है? आई डोंट नो, आई वुड हैव टू चेक। चलो एनालॉग कंप्यूटर एवी करवाया है किस कॉन्सेप्ट दे उत्ते वो वर्क करता है? जे ना कराओ ते बोल दो, करवाया नहीं जे करवा दो ते बोल दो। एना डीप करवाते पे हो की चाहते हो है? उत्तो उत्तो करवा दिए। एनालॉग कंप्यूटर किस बेसिकली किस चीज के ऊपर वर्क करता है? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। आंसर बताएंगे जल्दी से। कॉन्टिन्यूअस मतलब ए बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिकल भी होती है, अभी करवाया सी तो नाले कॉन्टिन्यूअस भी हुंदी है। दोनों चीजें ए और बी नहीं है, ए और बी। ये कौन से पेपर में आती है चॉइस ऐसे, मतलब आप दे सकते हो। ठीक है सीस्मोग्राफ, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। सीस्मोग्राफ की जो आप गल करिए ते किस प्रकार की एग्जाम्पल है? डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या ऑल ऑफ दी अबव? यस क्विकली, सीस्मोग्राफ केड़े कंप्यूटर दी एग्जांपल है? कैलकुलेशन लिए तानू दस्या सी, जल्दी बता दो। बेअंत कौर 63rd, एनालॉग बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, दीज कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स। ए बाइनरी डिजिट्स नू कैलकुलेट करके काम करते ने, एनू आपा की कहने आ? कंफ्यूजन सी मैम, ओके डोंट वरी। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स कीवर्ड किदे नाल एसोसिएटेड है? एनालॉग नहीं है, एनालॉग नहीं है। हेलो क्या हो गया? 64th का आंसर है डिजिटल। सुते पए हो, एनालॉग तानू दस्या किदे लई है, डिजिटल ओ भी दस्या किदे लई है। कीवर्ड ही नहीं तुसी लिख दो, मार्क ही नहीं करते हो। डिजिटल इज योर आंसर, बाइनरी डिजिट्स हुन याद रखना। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर विच केड़े दो कंप्यूटर दी प्रॉपर्टीज हुंदियां ने? सुपर माइक्रो, मिनी माइक्रो, ब्ला ब्ला, सुपर मिनी, एनालॉग, डिजिटल, नन ऑफ दी अबव। आंसर दस्यो। 66th क्वेश्चन दा आंसर। हां जी व्यंत कौर बोल रही है, एक तो मुझे समझ नहीं आता कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो, तो प्लीज जब सवाल का आंसर देते हो 66 हाइफन देकर दो, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्ष कंपोज, दैट इज एनालॉग इन डिजिटल कंप्यूटर्स, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, केड़े टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स तुसी यूज करते हो ईसीजी दे लई, डायलिसिस दे लई, हस्पतालां दे विच? स्पेसिफिकली आपको बताया गया है, हुन गलत ना देना, कृपया करके गलत आंसर मत दीजिएगा। 67th क्वेश्चन पे हम हैं, कौन से कंप्यूटर्स यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में? वेरी गुड प्री कश्यप, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हाइब्रिड। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग, जिन्हों आप हाइब्रिड कहने हाँ, वो इस्तेमाल होंगे जी ईसीजी डायलिसिस के लिए, किदे विच, दैट इज हस्पतालों के विच। बहुत बढ़िया, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आपां किदे लिए यूज करते हैं? डेटा बनाउन, डेटाबेस बनाउन दे लिए, कैलकुलेशन दे लिए, अकाउंटिंग दे लिए, या सब दे लिए? 68th का आंसर बताइए। ऑलराइट हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68? मनिंदर कौर बोल रही है ऑल, बहुत बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड। पर ये थोड़ा सौखा है वैसे। अगला सवाल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दी मतलब विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? एना सारे विचों केड़ा कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं हैगा है? अरे जो भी ऑप्शन को डी 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 करके लिख रहा है वो ऐसे मत लिखो, वो बैन हो जाता है शायद से, तो या ए बी सी डी एक ही बारी लिखो। 69th क्वेश्चन पे है, गुरविंदर मान बोल रहे हैं ऑल ऑफ दी अबव।
एब्सोल्युटली करेक्ट, 69th क्वेश्चन का, अच्छा सॉरी 68th का था, सॉरी वो तो 69th नहीं. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की एग्जाम्पल केड़ी नहीं है? अरे डी नहीं है, मुझसे गलती से हो गया. हाँ आंसर इज वर्ड प्रोसेसर, बिल्कुल करेक्ट है. मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिर्फ मल्टी मीडिया ले होगा. ऑटोमैटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिर्फ तुसी ओनू लैंड करवाउन दे लिए यूज करोगे, पर आपा कहंदे पे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किदे लिए होंदा, एक पर्टिकुलर पर्पस दे लिए, ते वर्ड प्रोसेसर ते कोई कंप्यूटर भी नहीं हैगा वैसे ता. आंसर इज ऑप्शन नंबर टू बच्चे, नहीं है डी आंसर जी. गलती से आई स्पोक दैट बिकॉज पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी अबव सी. चलो चलो, ये तो बहुत सौखा है. ऑटोमैटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग लिए आप किनू यूज करते हैं, सब नू पता है. द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? द आंसर इज गोइंग टू बी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. अगला सवाल, एना विचों केड़ा कंप्यूटर सब तो छोटा है ते सब तो तेज है ते इंसान दे दिमाग नू इमिटेट करता है यानी कॉपी करता है? 71st क्वेश्चन का आंसर बताओगे. आई एम होपिंग सब नू याद होगूगा, IBPS PO 2012 विच क्वेश्चन आया है ते ए भी तानू हजे करवाया गया. गलत जवाब नहीं देना है. स्पेशल पुराने का बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है. ओके लेट मी शेयर दिस वीडियो वंस. तुसी लोका ने ते करनी नहीं है वैसे, है ना, मैं ही कर दिनी हूं. ओके आंसर देखते हैं क्या दे रहे हो आप. आंसर 71st का सेकंड बोल रहे हो, क्वांटम, बहुत बढ़िया. आंसर इज गोइंग टू बी क्वांटम कंप्यूटर, आपका हजे है पढ़िया सी, बहुत ही बढ़िया. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड? वैसे तो बहुत सौखा है पर चलो फिर भी सौखे सवालों विच कुछ ना कोई ना कोई बच्चा जरूर गलत आंसर दे देता है. आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? किदे लिए आपा यूज करते हैं कंप्यूटरां नू? आई थिंक यार आपा सब हर किसी चीज के लिए करते हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज, तो हाँ जी, तो क्वेश्चन तो कहता छोटा वैसे बता रहे हो. आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सौखा है यार, बहुत सौखा है. इट इज द साइंस, ए साइंस है जिड़ी कोशिश करती है मशीना नू बनाने दे लिए जिड़े की सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नू दिखाते हैं, जिवें कि इंसान विच जिहड़ी इंटेलीजेंस हुंदी है कंप्यूटर भी ओही इंटेलिजेंस दिखाते हैं. आपा इस पर्टिकुलर साइंस नू की कहीदा है? डू वी कॉल इट, क्या ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं, वट डू वी कॉल इट? नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिम्यूलेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सरला सैनी बोल रही है डी, सूरज कश्यप डी. आंसर क्या है? वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब नू पता है जो सिरी होगी, है ना. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स? मतलब रोबोट्स नू बनाना, डिजाइन करना, उनू कंस्ट्रक्ट करना, उनू ऑपरेट करना, ते बाद चो वही उनू आपा यूज भी करना है. एना विचों केड़ी चीज हैगी है जी, जल्दी दस दो. हाँ जी आंसर बताएंगे. 74th क्वेश्चन पे है हम. वेरी गुड वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोबोटिक्स. बहुत वधिया, बहुत चंगे तरीके नाल सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. तो गाइज आज दी क्लास ले एना ही. हुन आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज कि नेक्स्ट टॉपिक तुसी केड़ा चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यू वॉन्ट या फिर इंटरनेट एंड इट्स फैसिलिटीज? माई प्रेफरेंस इज इंटरनेट एंड इट्स सर्विसिज, नॉट फैसिलिटीज, सॉरी. कि आप इंटरनेट एंड इट्स सर्विसिज के टॉपिक उत्ते चर्चा करिए क्योंकि यह हॉट टॉपिक बनया हुआ है. ऑलमोस्ट हर पेपर विच आंदा ही आंदा है, आना ही आना है. हर पेपर द सिलेबस विच ऑलमोस्ट गिवन है, जिवें कि टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, चाहे फिर वो आर्मी क्लर्क है या PSPCL क्लर्क है. नेट स्लो चल रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा पे है, आई डोंट थिंक सो वैसे, बट चलो एनी हाउ, इफ यू वॉन्ट, इफ यू आर सेइंग नॉट वॉन्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हो, नेटवर्किंग, बच्चे दो टॉपिक, सब कुछ करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा. 2019 दे उत्ते करवाने की लोड़ नहीं है सानू. एक आपा क्लास नहीं कर सकते उदी शॉर्टकट की, उदी
PDF आई कैन प्रोवाइड यू, क्योंकि उधर उतने शॉर्टकट समझान दे विच कुछ नहीं हगा है ना, वो सब कुछ यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर इट. आज के सेशन दे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीते ने, प्लीज मैम डू चेक. ओके डन प्री कश्यप, आई विल सी, डोंट वरी अबाउट दैट. जेड़ा तुहानू सही लगता है, हाँ ओके. सो मुझे तो लगता है गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक कि वी शुड डू दैट. इंटरनेट एंड सर्विसेज, हाँ जी PS PCL दे विच ही है, ताइयों तो मैं कहती पई हाँ. ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट देयर इन PS PCL एज फार एज आई रिमेंबर, बट आई वुड हैव टू चेक. थैंक यू मैम, थैंक यू गुरविंदर जी फॉर अटेंडिंग द क्लास. व्यंत कौर जी, आई रिमेंबर आप कह रहे हो कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम करवाना है, बट द पॉइंट इज कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक दूसरे हमें टॉपिक्स करवाने पड़ेंगे पहले. ऑल राइट, देखते हैं. मैम व्हेन विल यू टेक इंट्रोडक्शन टू वायरलेस टेक्नोलॉजी इन डे टू डे कम्युनिकेशन. ओके दैट इज अनदर टॉपिक, बट द पॉइंट इज कि वो टॉपिक बाकी यू नो पेपरों में नहीं आता पाया. कोई गल नहीं, आप कर लाँगे, बट थोड़ा पेपर भी आता पाया है, सो वो करना मुश्किल है वैसे अभी तो. जो तुहानू वधिया लगे वही करवाओ जी, ठीक है. सो आई एम थिंकिंग कि इंटरनेट वाला करवा देते हैं, बाकी केन जेसन जी का भी देख लेते हैं. या तो फिर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी करेंगे या फिर हम इंटरनेट करेंगे. ऑल राइट, मोस्टली तो कल साड़ी इंटरनेट की क्लास होगी, क्योंकि वो कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे पेपर्स में आने वाला है. चलो ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. Be there tomorrow 11 o'clock for my English class and 2 p.m. that is for computer ki class. Tab tak milte hain. PSPCL mein hai. I am agreeing with that. Wohi maine bola tha. I am not sure. Email bhi hai. Woh bhi karwa denge. Chalo dekhte hain. Kal pehle aapa internet and services karenge. Chalo guys, see you tomorrow. All right. Bye bye.